अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ हैदराबादी मटन मुर्ग। बहुत ही ज्यादा मजेदार रेसिपी बनती है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आ जाइए, मटन मुर्ग बनाने की रेसिपी बता देती हूँ, आप लोगों को भी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मैं ली हूँ आधा किलो मटन, इसमें 100 ग्राम काजू, बादाम और पिस्ते को मैं भिगो के ली हूँ। सारा मिला के यह है 200 ग्राम्स। और यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून काली मिर्च ली हूँ, 1 चकला, 2 इलायची और 1 टेबल स्पून जीरा लेके हूँ। हरा धनिया, पुदीना चॉप करके 2 ऑनियन ली हूँ और जिंजर गार्लिक का पेस्ट ली हूँ। इसमें हरे मिर्च का भी पेस्ट ऐड करना है, मैं बेटा नहीं खाएगा स्पाइस करके, मैं हरे मिर्च को स्किप कर दी हूँ। आपको इसमें हरे मिर्च का भी पेस्ट लेना है। और यहाँ पर ली हूँ दही। मैं आधा किलो के लिए इतना मसाला ले रही हूँ। आप गोश्त ज़्यादा लेंगे तो आपको मसाला भी एक्स्ट्रा डबल करना है, ठीक है। अभी इसमें मैं ले रही हूँ 1 चम्मच ऑयल। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच घी। अभी ना इसमें होल स्पाइसेस ना बच्चे के मुंह में आएंगे तो बच्चे नहीं खाते, तो मैं ये क्या कर रही हूँ, इस स्ट्रेनर में डाल के ना सिर्फ फ्लेवर के लिए मैं ये सब ऐड कर रही हूँ। इसको ऐसे ही तेल में फ्राई करना है, मैं तो इसमें डाल के स्ट्रेनर में ले रही हूँ ताकि बच्चे मुंह में आए तो खाते नहीं, इसलिए। सारे मसाले मैं इसमें डाल चुकी हूँ। अभी इसको क्लोज करके इस तरह से इसका लॉक क्लोज कर देते हैं। पूरे तो मसाले इसमें आ चुके हैं। अभी इसमें ऑयल और घी गरम हो चुका है, मैं इसी तरह से इसको फ्राई कर लेती हूँ। अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अभी मैं इसको साइड में निकाल लेती हूँ। लूंगी चॉप किया हुआ ऑनियन। ऑनियन को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इसका कलर चेंज होना है, लाइट से पिंकिश होने के बाद। इसमें मैं ऐड कर देती हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो ऑनियन अच्छे से गल चुकी है, अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 चम्मच जितना हल्दी पाउडर। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गोश्त। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 5 गरम मसाला पाउडर। तो हरे मसाले का शेरवा बनाते हैं, सेम इसी तरह से है ये भी। इसमें हरिया धनिया को मैं पीस के नहीं ले रही हूँ, काट के डाल रही हूँ, इतना ही फर्क है मटन मर्क में बस। अभी सारे मसालों को अच्छे से भून चुकी हूँ। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच दही। दही चाहिए तो इसकी आप चाहिए तो डाल सकते हो, या तो स्किप भी कर सकते हो। दही को भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेती हूँ। देखो भूनते भूनते 10 मिनट हो चुके हैं, इसमें से ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 ग्लास जितना पानी। आधा घंटा पका लेना है। वो आधा घंटा पकने तक ना मैं इसका फाइन पेस्ट बना लेती हूँ काजू बादाम और पिस्ते का। आधा घंटा हो चुका है, चलो देखते हैं क्या अच्छे से गल चुका है क्या करके। देखो आधा घंटे बाद ये बहुत अच्छे से गल चुका है, देखो। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काजू बादाम और पिस्ते का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, इससे जायका अच्छे से निखर के आता है। नहीं थिक होना चाहिए, काजू और बादाम का पेस्ट डालने से इतना अच्छे से थिक हो जाती है ग्रेवी। ऐड कर रही हूँ हरा धनिया और पुदीना कट करके। मैं ऐड कर रही हूँ आधा नींबू का जूस। मैं सारे मसालों को ऐड कर चुकी हूँ। अभी इसको काजू का पेस्ट पकने तक 10 मिनट तक इसको पका लेना है। इसको पकते पकते 10 मिनट हो चुके हैं, देखो तेल अच्छे से ऊपर आ चुका है। अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसकी खाने को बहुत ज्यादा पतला भी नहीं है, बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं है, ये परफेक्ट है। परफेक्ट रेसिपी बनी हुई है, बहुत ही मजेदार रेसिपी बनी हुई है। अभी चूल्हे के फ्लेम को ऑफ कर दी हूँ, अभी इसको सर्व कर देती हूँ। इसको नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये नान नहीं खाते तो इसलिए मैं राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको पसंद आई तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये रेसिपी शेयर करना।